Hello, my dear students. I am Sunil sir, MP John from Browni. My dear students, you all know that your examination is at your hand and you all are very seriously preparing for the examination. But after working hard, sometimes we do not get good marks because we don't know about the actual process of getting good marks. So, my dear students, I am also giving you some suggestion for how to get good marks, and for this, as much as possible, I will help you. My dear students, for your help, I am just now giving you some suggestions through the video. So please watch it continuously till the end and don't skip it, because each and every second is very important. You don't know about which second is very helpful, and if you skip it, it will be very harmful, because that suggestion may be helpful for your examination. So please watch it continuously, and I also request you, if you have not subscribed this channel, first of all you can subscribe it. सबसे पहले इसको subscribe कर ले, इसके bell icon button को press कर दे, and share among the friends, और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आपको याद कर सके कि आप उसके पास एक अच्छा वीडियो गया जो उसके मार्क्स को गेनिंग करने में बहुत हेल्पफुल हुआ. तो मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ सेक्शन देखते हैं कि किस तरह से हम विद इन ए वन वीक में हम चाहें तो 70 to 75 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि थोड़ा और इफर्ट लगा दें तो 70 to 90 मार्क्स के आसपास में हम लोग जा सकते हैं इंग्लिश में. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द बिहारी स्टूडेंट्स आर वेरी अफ्रेड अबाउट थिंकिंग इंग्लिश. तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ आपके 100 मार्क्स का कुछ सिलेबस के रूप में तैयार किया हूँ, और इसे आप देखें और इसके हिसाब से ही आप रूटीन वाइज घर पर पढ़ें, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपका मार्क्स काफ़ी गेन कर जाएगा. तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया 100 मार्क्स, और इसके पहले मैंने बहुत सारे पॉइंट को लिखा है, तो आप एक एक करके समझे और वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आपको इस रूटीन के माध्यम से इसको आप फॉलो करके अधिक से अधिक मार्क्स को गेन कर सके. तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा है कि नो द सिलेबस. यदि आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना होगा कि उसके सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट सिलेबस यू कांट प्रिपेयर योर सेल्फ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो द सिलेबस ऑफ दैट एग्जामिनेशन. तो जैसे हमें सिलेबस पता चल गया, तो सिलेबस जो भी है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं. तो सिलेबस कहता है कि आपका सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव. तो बिहार बोर्ड इस बार जो है आपका एक नया सिस्टम फिर से लाया है कि आपके पास 60 क्वेश्चन देंगे वो, और उसमें से आपको 50 बनाना है. तो 60 में आपका 35 ग्रामर से होगा और 25 बुक से होगा. तो आप अगर चाहें थोड़ा कंसस हो जाए, तो आप चाहें तो 50 से 50 मार्क्स आप ले आ सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आपके मार्क्स गेनी में. एंड द सेकेंड पॉइंट इज कंप्रीहेंशन और प्रेसिस. यह कंप्रेंशन हो सकता और प्रेसिस हो सकता था. आप चाहें तो कंप्रेंशन बना के आसानी से नंबर ले सकते हैं. तो कंप्रेंशन होता क्या है कि आप एक पैसेज दे देगा, और पैसेज में आपको पैसेज पढ़ना है, उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर क्वेश्चन पढ़ के उससे पैसेज से आंसर देना है. तो ये आपका 5 मार्क्स का होगा. नेक्स्ट है मैचिंग. आपका बुक का नाम रहेगा और उसके साथ में आपका राइटर का नाम रहेगा, उससे आपको मैच करना, वहाँ से आपको 5 मार्क्स आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ लेटर और एप्लीकेशन. माई डियर फ्रेंड्स, फॉर नेक्स्ट वीडियो आई जस्ट ऑल्सो गिव यू लेटर और एप्लीकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स. मैं आपको दूंगा जरूर. तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह लेटर और एप्लीकेशन को लिखा जाता है, और वहाँ से आप गेन कर सकते हैं 4 मार्क्स. आपका नेक्स्ट आएगा एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इट विल बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, एंड आई विल गिव यू 5 or 6 क्वेश्चन ओनली. और आपको इस 5 or 6 क्वेश्चन से ही आपको एक क्वेश्चन वहाँ आने वाला है, तो आप चाहें तो वहाँ से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं. तो इस तरह से आप चाहें तो इन सेक्शंस को आप विद इन 1 वीक में आप 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं. आपका नेक्स्ट जो फेज है आपका, उसमें आपका आएगा समरी. तो आपको एक समरी लिखना है जो कि 5 मार्क्स का होगा. फिर नेक्स्ट आपका आएगा समरी से ही निकल के आएगा एक्सप्लेनेशन, उसी पोएम या और प्रोज से. तो आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसका मार्क्स आपको 8 होगा. तो 8 और 15 को अगर ऐड करें तो 13 हो जाता है, और यहाँ से हम 82 ला सकते हैं. तो आप 82 जो आप चाहें तो 10 दिन के अंदर ला सकते हैं, और आपका एग्जाम भी आपका अप्रॉक्स 15 डेज के आसपास में है.
तो आप चाहें तो 10 दिन की तैयारी में आप 82 मार्क्स ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एंड आंसर एंड एसे। तो क्वेश्चन एंड आंसर में आपको समरी को तैयार करेंगे तो समरी के तैयारी से ही आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा और यहाँ से आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर आपका एक ऐसे आएगा, तो मैं इसके लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ सजेशन दूंगा और कैसे लिखा था वो मैं समझाऊंगा, तो वहाँ से आप यहाँ मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस टिप्स को फॉलो करके विद इन 10 डेज के अंदर आप 70-90 मार्क्स के अप्रॉक्स ला सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो, मान लीजिए कि हर बच्चे ने इसको फॉलो किया और आप चाहते हैं उससे अधिक मार्क्स आए, तो उसके लिए आपको फिर से 2-3 टिप्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन लिखेंगे, जो भी लिखते आप, अगर दो लाइन ही लिखते, 3 लाइन ही लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके हैंडराइटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। हैंडराइटिंग क्लियर लिखिए, क्योंकि हैंडराइटिंग क्लियर रहेगा तो सर को चेक करने में आसानी होगी और जैसे ही सर को आसानी होगी तो सर नंबर देने में कभी कंजूसी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है सीरीज, आप एक नंबरिंग सीरीज में बनाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। और आप उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का नंबर होगा और उसका जो आपका ABC करके डिवाइड किए होगा उसको आपको फॉलो करना है, बिकॉज इट विल बी वेरी नेसेसरी दैट टाइम व्हेन वी आर जस्ट आंसरिंग ऑन योर कॉपीज। फिर नेक्स्ट आपका है अननेसेसरी, इसका मतलब ये हुआ कि आप अननेसेसरी बातों को ना लिखें, आप जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं क्वेश्चन के फैक्ट पर ही लिखने का प्रयास करें, ताकि जब सर चेक करे तो वो आपके फैक्ट को समझ सके और उन्हें मार्क्स को देने में कहीं परेशानी ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव सीन ऑल दीज फैक्ट्स एंड फॉलो दिस रूल, फॉलो दिस टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड दैट विल बी 100% ऑथेंटिक गेनिंग योर मार्क्स। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने इस वीडियो को देखा और इसके हिसाब से आज से आप तैयारी करना शुरू कर दें, और मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। तो आप लेटर और एप्लीकेशन ऐसे इन सभी फैक्ट को देखने के लिए, इसके आसान आसान तरीका को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए आप इस जितने भी मैंने टिप्स दिया है इस पर फॉलो करें। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।